भारत ने लगाई चीन से सटी सीमा पर शक्तिशाली टेक्नोलॉजी। 2017 में डोकलाम, 2020-21 में गलवान और 2021-22 में तवांग में घुसपैठ की कोशिश। आखिर चीन चाहता क्या है? लगता है कि चीन बस किसी तरह से भारत को युद्ध के लिए उकसाना चाहता है। लेकिन इस बार भारतीय सेना चीनी सेना से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि अब भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे तकनीक हैं जो काफी एडवांस हैं। ये हथियार चीन को आसानी से धूल चटाने के लिए सक्षम है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे घातक और एडवांस हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका मुकाबला चीन तो क्या दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो के आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सके। नंबर 1, राफेल। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है, जिसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। वर्ष 1996 से 2019 तक इस विमान की 201 यूनिट बन चुकी है। राफेल ए, बी, सी और एम श्रेणी में एक सीट और डबल इंजन में उपलब्ध है। राफेल हवा से हवा, हवा से जमीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी लगा हुआ है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। यह जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। यह 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह 1 मिनट में 50,000 फीट पर पहुंच जाता है। यह 3,700 किलोमीटर के रेंज को कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार 2,222 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह 1,312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। यह 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। राफेल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें ले जाने में सक्षम है और यह एक बार में 2,000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। नंबर 2, INS विक्रांत। यह भारत का स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे 16 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना जहाज की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है, जो लगभग 45,000 टन वजनी है। इस जहाज में 18 फ्लोर, 14 डेक और 2,300 कंपार्टमेंट है। यही कारण है कि इसे फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है जो 500 घरों को आसानी से रोशन कर सकता है। भारत का पहला स्वदेशी जहाज 1,500 नाविकों को ले जा सकता है और इसके किचन में 10,000 रोटियां बनाई जा सकती है। INS विक्रांत को इंडियन नेवी के इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कोचिन शिपयार्ड के तहत कार्य करता है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह जहाज इतना बड़ा है कि इसमें 2 फुटबॉल फील्ड समा सकते हैं। इसके साथ ही INS विक्रांत MiG-29 के फाइटर जेट, MH-60R मल्टीरोल हेलीकॉप्टर, Kamov-31, Kamov-31 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे 30 एयरक्राफ्ट को ले जा सकता है। इस जहाज के अंदर 16 हॉस्पिटल बेड, 250 फ्यूल टैंकर और 2,400 कंपार्टमेंट है। तीसरा, T-90 भीष्म टैंक। यह थर्ड जनरेशन टैंक की श्रेणी में आता है। इसमें टी का मतलब है टैंक और इसमें 90 इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह 1990 के दशक में बना था। साल 1992 में यह पहली बार दुनिया के सामने आया। इसकी गिनती दुनिया के आधुनिक टैंकों में होती है। इसमें 3 लोगों का क्रू होता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर। कमांडर सबसे ऊपर होता है। साल 2001 में भारत ने पहली बार रूस से T-90 टैंक खरीदने का सौदा किया था। भारत ने रूस को 310 T-90 टैंक का ऑर्डर दिया था। इसमें से 124 रूस से बनकर आए, जबकि बाकी को भारत में असेंबल किया गया। जिन T-90 टैंकों को भारत में असेंबल किया गया, उन्हें भीष्म नाम दिया गया। पहले 10 भीष्म टैंक अगस्त 2009 में सेना में शामिल हुए। अभी भारत के पास 1,000 के करीब T-90 टैंक और ये भारत के पास अभी तक का सबसे आधुनिक टैंक। दुश्मन से बचाव के लिए T-90 टैंक में कैक्टस K6 एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर लगा हुआ है। इस आर्मर का काम है टैंक को दुश्मन के हमले से बचाना। कैक्टस K6 आर्मर पर जब गोली या रॉकेट लगता है तो यह विस्फोटक को बाहर की तरफ ढकेलता है। इससे टैंक को नुकसान नहीं होता। T-90 टैंक की दूसरी खासियत यह है कि यह 2 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। इसके लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है। इसे मैनुअली और रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है। यह गन 1 मिनट में 12.7 mm की 800 गोलियां चलाती हैं। T-90 टैंक में 125 मिलीमीटर की मोटाई वाली स्मूथ बोर टैंक गन भी लगी होती है।
इसके जरिए कई तरह के गोले और मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जैसे बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने वाली एंटी टैंक मिसाइल भी होती है। साथ ही इस टैंक में एक थर्मल इमेजर भी होता है। थर्मल इमेजर शरीर से निकली गर्मी के आधार पर काम करता है। इसके जरिए दिन और रात में छुपे हुए और 6 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद दुश्मन को देखा जा सकता है। इस टैंक से एक राउंड में 7 मिसाइल छोड़ी जा सकती है। इसमें मिसाइल ऑटोमेटिक लोड होती है, यानी एक बार निशाना लगाने के बाद दोबारा रॉकेट या मिसाइल अपने आप लोड हो जाती है। T-90 टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दाग सकती है। इससे 100 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की रेंज में निशाना लगाया जा सकता है। T-90 टैंक मैदानी इलाकों, रेगिस्तान, दलदली जमीन और पानी के अंदर भी चलाई जा सकती है। नंबर 4, पिनाका MLRS। पिनाका MLRS को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की स्पेशल यूनिट अर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE पुणे में बनाती है। 1980 के दशक में इसे बनाने की शुरुआत हुई। उस वक्त भारतीय सेना सिर्फ रूसी रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करती थी। पिनाका लॉन्चर से सिर्फ 44 सेकंड के भीतर 12 बेहद शक्तिशाली रॉकेट दागे जा सकते हैं। पिनाका लॉन्चर के शुरुआती वर्जन की रेंज करीब 40 किलोमीटर थी। सबसे हालिया पिनाका की मारक क्षमता 70 से 80 किलोमीटर तक। पिनाका MLRS सिस्टम को मोबिलिटी के लिए टाटा के ट्रकों पर माउंट किया जाता है। इन्हें युद्ध के दौरान अच्छी खासी फायर पावर मुहैया कराने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि कम से कम सैनिकों को सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़े। DRDO ने पिनाका MLRS को डिजाइन और डेवलप किया है। हालांकि सेना की जरूरतों को देखते हुए इसके सब सिस्टम और कंपोनेंट्स बनाने के लिए पार्टनरशिप भी की गई है। पिनाका को DRDO के अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB, टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन और लार्सन एंड टर्बो भी बनाती है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के 4 वर्जन है। पिनाका MK-1 की रेंज 48 किलोमीटर है। पिनाका MK-1 इनहेंस की रेंज 60 किलोमीटर है। पिनाका MK-2 की रेंज 90 किलोमीटर है, जबकि पिनाका MK-3 की रेंज 120 किलोमीटर है। पिनाका MK-3 को अभी डेवलप किया जा रहा है। पहली पिनाका रेजिमेंट फरवरी 2000 में बनाई गई थी। भारतीय सेना आमतौर पर पिनाका की एक पूरी बैटरी को तैनात करती है, जिसमें 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं। हर एक व्हीकल में 12 रॉकेट होते हैं, मतलब एक बैटरी में कुल 72 रॉकेट होते हैं। 6 लॉन्चर की बैटरी से 1000x800 मीटर के एरिया को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। नंबर 5, INS अरिहंत। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन ने बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वेपन तैनात करने की पॉलिसी अपना रखी है। हिंद महासागर में चीन अपनी न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन की इन हरकतों पर लगाम लगाने के लिए भारत के पास है INS अरिहंत। INS अरिहंत को बनाने की शुरुआत वर्ष 1967 में ही हो चुकी थी। उसी वर्ष नौसेना और बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने परमाणु शक्ति से चलने वाली स्वदेशी पनडुब्बी बनाने की योजना बनाई थी। इसके बाद वर्ष 1970 में इंदिरा गांधी ने बार्क और DRDO को इस पर काम शुरू करने को कहा। फिर 1984 में एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। 1998 में ATV पर लार्सन एंड टर्बो ने पनडुब्बी बनानी शुरू की। इसके बाद 2009 में अरिहंत पनडुब्बी को लॉन्च किया गया था, लेकिन साल 2013 में इसके अंदर परमाणु रिएक्टर को लगाया गया। इसे विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बार्क भारतीय नौसेना और DRDO के वैज्ञानिकों ने तैयार किया था। यह जल, थल और नभ में हमला करने में सक्षम है। इसे न्यूक्लियर ट्रायड भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है तीनों स्तर की सुरक्षा। INS अरिहंत 6000 टन की पनडुब्बी है, जिसकी लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। इससे पानी के अंदर और पानी की सतह से न्यूक्लियर मिसाइल दागी जा सकती है। इस पर K-15 या BO-5 शॉर्ट रेंज मिसाइलें तैनात हैं, जो 700 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। साथ ही अरिहंत K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक। तो दोस्तों, ये हैं भारत के कुछ ऐसे घातक हथियार जिनकी वजह से भारत चीन बॉर्डर सुरक्षित है, वरना चीन जैसे विस्तारवादी सोच रखने वाला कभी भी अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर सकता था। लेकिन अगर भारत अपने घातक और अभेद्य हथियार के साथ चीन के खिलाफ सीमा पर खड़ा है, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब चीन अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा और मिलिट्री रोबोट जैसे चीजों को तैनात भी कर रहा है, जिसके बारे में हम आपको आए दिन बताते भी रहते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत कभी चीन से आगे निकल सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो, अपने देश के हथियारों के बारे में जानकर आपको गर्व हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।